नमस्कार, मैं हूं रवि चपटे और आज हम देखेंगे वर्तमान काल और वर्तमान काल के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से तीन काल होते हैं, एक वर्तमान काल। वर्तमान काल से हमें चल रहे समय का बोध होता है। दूसरा भूतकाल। भूतकाल से हमें बीते हुए समय का बोध होता है। और तीसरा है भविष्यकाल। भविष्यकाल से हमें आने वाले समय का बोध होता है। वर्तमान काल के छह भेद है, उसमें सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। सबसे पहले देखेंगे हम वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, वर्तमान काल में कार्य अभी हो रहा है या निरंतर चल रहा है, ऐसा हमें सूचित होता है। संक्षेप में वर्तमान काल से हमें चल रहे समय का बोध होता है। जैसे सुनील पढ़ाई करता है, मैं घर जा रहा हूँ, शीतल ने आम खाए हैं, दिल्ली से गाड़ी आती होगी, दिनेश आया हो। इन वाक्यों में हमें क्रिया के रूप से कार्य वर्तमान समय में होने का बोध होता है। यहाँ पर पहला वाक्य सुनील पढ़ाई करता है, करता है मतलब यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। दूसरा वाक्य मैं घर जा रहा हूँ, रहा हूँ मतलब यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है। शीतल ने आम खाए हैं, खाए हैं इसका मतलब यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। चौथा वाक्य दिल्ली से गाड़ी आती होगी, आती होगी इसका मतलब यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है। और पांचवा वाक्य दिनेश आया हो, आया हो का मतलब है यह वाक्य संभाव्य वर्तमान काल का है। अब हम वर्तमान काल के भेद देखेंगे। वर्तमान काल का पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य वर्तमान समय में सामान्य रूप से होना सूचित होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप में पाई जाती है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल के क्रिया रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध नहीं होता। जैसे सुनील पढ़ाई करता है, रोशनी गाती है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं, मैं चलता हूँ, मैं गाड़ी में चढ़ती हूँ। इन वाक्यों में करना, गाना, हिलना, चलना, चढ़ना यह क्रिया प्रस्तुत समय में है और न तो वह पूर्ण है और न ही अपूर्ण है, इसीलिए इन वाक्यों में सामान्य वर्तमान काल है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के अंत में आ है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ का प्रयोग होता है। वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना सूचित हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो क्रिया
अभी पूर्ण नहीं हुई है, वह चल रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल के क्रिया रूप से हमें कार्य की अपूर्णता का बोध होता है। जैसे कमलेश क्रिकेट खेल रहा है, अंजलि फूल चुन रही है, तारे जगमगा रहे हैं, घर जा रहे हो, मैं पत्र लिख रहा हूँ। इन वाक्यों में खेलना, चुनना, जगमगाना, जाना, लिखना, यह क्रिया हो रही है। यह क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, बल्कि चल रही है। इसीलिए इन वाक्यों में अपूर्ण वर्तमान काल है। एक बात यहाँ पर याद रखिए, अपूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे है, रहे हो, रहा हो शब्द समूह का प्रयोग होता है। वर्तमान काल का तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में ही कार्य का पूर्ण हो जाना सूचित हो, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो क्रिया अभी पूरे होने का पता चलता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल के क्रिया रूप से हमें कार्य की पूर्णता का बोध होता है। जैसे आज नौकर आया है, मैं दुनिया घूमकर आया हूँ, मैं घर पहुंचा हूँ, सपना ने अंगूर खाए हैं, सूरज निकला है। इन वाक्यों में आया, पहुंचा, खाए, निकला, यह क्रिया वर्तमान काल में ही पूर्ण हो चुकी है। इसीलिए इन वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया का रूप बनाने के लिए क्रिया के सामान्य भूतकाल के रूप के साथ है, हूँ, है का प्रयोग होता है। वर्तमान काल का चौथा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने या करने पर शक हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया होने में संदेह प्रकट हो, परंतु उसकी वर्तमान में होने में कोई संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल के क्रिया रूप से हमें संदिग्धता का बोध होता है। जैसे आकाश चित्र बनाता होगा, ट्रेन आती होगी, बच्चे पढ़ते होंगे, आनंद रोता होगा, वसुंधरा गाती होगी। इन वाक्यों में वर्तमान में कार्य होने की शंका निर्माण होती है, इसीलिए यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल के हैं। याद रखिए, संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया के साथ ता होगा, ती होगी, ते होगे का प्रयोग होता है। वर्तमान काल का पांचवा भेद है तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में ही हो रहा है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल में बोलते समय क्रिया का व्यापार चलता रहता है, इसमें पूर्णता का पता नहीं चलता। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, वह गांव घूम रहा है, दिशा पढ़ रही है, हम शहर जा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। इन वाक्यों में बोलते समय क्रिया का व्यापार चल रहा है, इसीलिए यह वाक्य तात्कालिक वर्तमान काल के है। याद रखिए, तात्कालिक वर्तमान काल में क्रिया के अंत में
रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ शब्द समूह का प्रयोग होता है। तात्कालिक वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल लगभग हमें एक जैसे ही दिखाई देते हैं, परंतु दोनों में क्या अंतर है? तो अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है और वह चल रही है, इसका हमें बोध होता है। और तात्कालिक वर्तमान काल में बोलते समय क्रिया के व्यापार चलने का हमें बोध होता है। वर्तमान काल का छठवां भेद है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का अर्थ है संभावित या जिसके होने की संभावना या अनुमान हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरे होने की संभावना होती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य वर्तमान काल के क्रिया रूप से हमें संभावना या अनुमान का बोध होता है। जैसे श्याम गया हो, दीपाली चलती हो, राहुल ने खाया हो, चोर ने चुराया हो, शिक्षक ने पढ़ाया हो। इन वाक्यों में हमें क्रिया के रूप से कार्य पूर्ण होने की संभावना होती है, इसीलिए यह वाक्य संभाव्य वर्तमान काल के है। एक बात यहाँ पर याद रखिए, संभाव्य वर्तमान काल में सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ हो अथवा या हो शब्द का प्रयोग होता है। अगले वीडियो में हम भूतकाल और भूतकाल के भेद देखेंगे। धन्यवाद।